हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आजकल वीडियो मैं रेगुलरली शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी ही रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। सो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में हमें सबसे ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम होती है। वैसे ना कि इतनी ज़्यादा धूप होती है और हम छोटे मोटे काम के लिए भी अगर जाते हैं बाहर, तो अगर अपनी स्किन को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है, सनस्क्रीन की लेयर नहीं लगाई है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें मतलब सन टैन तो होना ही होना है। और अगर आप कहीं घूमने चले गए, बीचों में कहीं घूमने चले गए, वैसे तो गर्मियों में ही बीच वगैरह पे जाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आप बीचेस वगैरह पे चले गए तो वहाँ से आने के बाद आपको पक्का है कि सन टैन होना ही होना है। सो गर्मियों में बहुत ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम होती है, पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं कौन कौन से DIYs ट्राई करती हूँ घर पे जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं, और जो भी मैं DIYs आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो सारे ही ट्राई एंड टेस्टेड हैं। सो मैं उन सभी रेमेडीज़ को फॉलो करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। जब भी मुझे सन टैन इशूज़ होते हैं ना, मैं यही 2-3 रेमेडी फॉलो करती हूँ और इससे मेरी सारी टैनिंग दूर हो जाती है, ट्रस्ट मी। सो एकदम नेचुरल तरीका है, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से घर में ही अपने घर के कुछ इन्ग्रीडियंट से अपने सन टैन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सो कौन कौन से हैं वो DIY रेमेडीज, चलिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो गाइज, जो पहली रेमेडी है विच इज़ टमाटर, क्योंकि टमाटर सन टैन को दूर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ईजिली आप क्या कर सकते हो कि टमाटर लेकर के अपने पूरे फेस में इसके रस को, इसके जूस को नींबू के रस में मिला करके अप्लाई करके छोड़ दो, ये एक ईजी वे है। बट मैं आपको बता रही हूँ इफेक्टिव तरीका टमाटर का स्क्रब बनाने का, वो आपको कैसे बनाना है। आपको टमाटर को लगाने के 1 घंटे पहले या फिर आप रात में ही रख दीजिए टमाटर फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, वो अच्छी तरीके से जम जाता है, उसके अंदर पूरा आइस अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आप जब भी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके रस गिरते नहीं हैं, ये बहुत ईजी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि वाइट शुगर में, जब मैंने टमाटर को फ्रीज़र में रख लिया, उसके बाद उसको कट किया, कट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती क्योंकि वो पूरा आइस जमा होता है उसमें, इसलिए तो उसमें शुगर आप एक प्लेट में लेकर के शुगर को टमाटो में डीप कर लीजिए उसके क्यूब्स में, एंड उसके बाद उसको अपने फेस पर अप्लाई करिए। आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको उस तरीके से रब करना है, शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए आपकी स्किन पर, तो आपकी स्किन पर जो भी डेड लेयर्स जमा होगी ना वो भी निकल जाएगी, आपकी स्किन अच्छी तरीके से स्क्रब भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपका सन टैन भी दूर होगा। बिकॉज जब हम स्क्रब करेंगे उसके बाद हमें तुरंत अपने फेस को वॉश नहीं करना है, हम 5-10 मिनट तक प्रॉपर शुगर से अपने पूरे फेस को रब करेंगे एंड देन आफ्टर हम उसको छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। एंड इस तरीके से अगर आप रेगुलर करते हैं या फिर हफ्ते में 3-4 बार कर लेते हैं, तो आप इजिली अपने सन टैन को दूर कर पाएंगे। सो ये बहुत ही ईजी। ज़्यादा इजी ट्रिक है, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से अपना सन टैन दूर कर सकते हैं। गर्मियों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, इनफैक्ट मैं तो पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखती हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लेजीनेस फील करते हैं, कौन जाए पानी लेने, पानी की बॉटल लेने, तो इसका सबसे ईजी सोल्यूशन है कि आप हमेशा एक बॉटल अपने पास रखिए। स्पेशली आप ऐसा कर सकते हो, आप ग्रीन कलर की बॉटल ले लो, और वो क्या होता है दिखने में भी आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है और अच्छा लगता है, और अगर आपके पास रहेगी तो आप बार बार पानी भी पी लेंगे और इस तरीके से आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आपको सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है कि सब कुछ करते हैं स्किन केयर में, बट सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज आप स्किन केयर करते हो, फेस को वॉश किया, आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया एंड देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। अगर आपको 2-3 लेयर्स नहीं लगानी है तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर परचेज करिए जिसमें सनस्क्रीन इन बिल्ड हो। मैं घर में कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट 30 SPF वाला,
सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना चाहिए घर में भी, क्योंकि शीशे से भी आपको धूप आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बट यू नो आप कपड़े डालने जाते हैं या किसी भी काम से थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं, या फिर आपके घर की विंडो के यू नो शीशे से भी आपको सन रेज आती हैं, जो यूवी रेज हैं वो आपकी स्किन को हार्म करती हैं, और आपको ज़रूर से ज़रूर सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं बात कर रही थी सन टैन की, तो अगर आप सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं तो आपको टैनिंग की प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ दूसरी रेमेडी। तो दूसरी रेमेडी में मैंने यूज़ किया है जौ का आटा। जौ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सभी जानते हैं कि जौ का सत्तू भी बनता है, जो कि गर्मियों में हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो सत्तू है, एक तो चने का बनता है, दूसरा जौ का बनता है, तो आपको जौ जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे इमेज मेंशन कर दूंगी। इसके साथ साथ जौ का आटा हम खाने में भी यूज़ करते हैं, तो वही जौ का आटा आपको लेना है थोड़ा सा, और उसमें कच्चा दूध मिला करके इसको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और पहले की जैसी हो जाएगी, मतलब ये तो आपको वन यूज़ में ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टैन हो गई, तो मैं ये वाली रेमेडी तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव गाइस, आप सबको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप ट्राई करते हैं इस रेमेडी को तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये आपके लिए इफेक्टिव था या नहीं। चलिए अब बढ़ते तीसरी रेमेडी की ओर। सो गाइस, जो तीसरी रेमेडी वो सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बेसन और दही दोनों ही सन टैन को दूर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बस आपको लेना है बेसन और दही, अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसमें 1 पिंच आप हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको सूट करती है तो, नेचुरल हल्दी लेनी है आपको। और अगर आपको हल्दी सूट नहीं करती कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ आप दही और बेसन ले लीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव होता है सन टैन को रिमूव करने में। सो बस दही में बेसन का अच्छे से पेस्ट बना करके आपको उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए फेस को वॉश कर लेना है। सो गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है अगर आपको बहुत ज़्यादा। सो गाइस, फेस को वॉश करने के बाद मैं हमेशा जो है वो मॉइस्चराइज़र नेचुरल एलोवेरा प्लांट को कट करके पील करके वॉश करके इसको रब करती हूँ अपनी स्किन पे। ये भी बहुत ही अच्छा सन टैन दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। सो मैं जब भी कोई DIY रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ अपनी स्किन पे, देन आफ्टर मॉइस्चराइज़र के लिए मैं अप्लाई करती हूँ नेचुरल एलोवेरा प्लांट को। हफ्ते में 3 से 4 बार इस रेमेडी को ट्राई कर लीजिए, आपकी स्किन पहले जैसी हो जाएगी और जो भी टैनिंग की परत चढ़ गई आपकी स्किन पे वो दूर हट जाएगी। सो गाइज, ये थे मेरे 3 DIY होम रेमेडीज़ सन टैन को दूर करने के लिए। मैं इन तीनों रेमेडीज़ को यूज़ करती हूँ ऑल्टरनेट डे पर, मतलब जब भी मुझे टाइम मिला उस हिसाब से, बट ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो जब भी अगर आपको टैनिंग के इश्यूज़ हों, या फिर समर सीज़न में हमें टैनिंग हो ही जाती है, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखिए, जैसे कि सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप एक कैप लगा लीजिए, आप गॉगल्स लगा लीजिए, तो ये भी आपकी स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने सनस्क्रीन की लेयर अच्छे से लगाई हुई है तो आप काफ़ी हद तक यू नो आपकी स्किन टैनिंग से बच जाती है। बट इन सब के अलावा भी हमारी स्किन टैन हो ही जाती है, तो आप इन क्विक रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग भी टैनिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड